हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लिटिल वर्ल्ड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज हम जिस सुपर फूड के बारे में बात करेंगे वो है रागी, जिसे नाचनी भी कहा जाता है। इसकी रेसिपी देखने से पहले इसकी बेनिफिट्स की ओर चलें। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट बूस्ट्स इम्यूनिटी, इट स्ट्रेंथन द बोन्स ऑफ योर बेबी, इट प्रिवेंट्स एनीमिया, जो लैक ऑफ आयरन डिफिशेंसी भी कहा जाता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, प्रोटीन एंड फाइबर, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट गेन। रागी इज यूजुअली यूज टू फीड बेबीज इन इंडिया। अप्रॉक्स 100 ग्राम ऑफ रागी गिव्स यू 7.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन। रागी में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस, जो बोन्स की प्रॉब्लम होता है जो ज़्यादातर वुमेंस में देखा जाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम्स लाइक फ्रैक्चर रिस्क, इसलिए इसे कैल्शियम पावर हाउस भी कहा जाता है। रागी में बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं लाइक मैथियोनाइन, जो आपकी बेबी की हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है। रागी में और भी एमिनो एसिड्स होते हैं लाइक मेलाटोनिन, जो आपकी बेबी की स्लीप को रेगुलेट करता है, जिसका आपका बेबी आसानी से सो सकता है। रागी में बहुत सारे विटामिंस होते हैं लाइक विटामिन B1, B2, विटामिन D एंड विटामिन C। रागी इज ऑल्सो ग्लूटेन फ्री, इट इज़ फ्री फ्रॉम सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव एंड आर्टिफिशियल कलर्स। रागी से हम बहुत सारे रेसिपीज बना सकते हैं लाइक रागी पॉरिज, रागी पैनकेक, रागी डोसा एंड रागी इडली एंड सो ऑन। इट इज़ नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट eating healthy, and as a parent you are laying the foundation of fit lifestyle for your baby. बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं रेसिपी की ओर। रागी बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच रागी, 1 भीगा हुआ अंजीर, 1 डेट्स, 1 से आधा चम्मच घी और होममेड 1 से 1.5 चम्मच ट्राइफल्स पाउडर। इसके साथ ही लेंगे हम पानी, ये वही पानी है जिसमें हमने अंजीर भिगाया था। चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। रेसिपी बनाने के लिए हमने गैस के ऊपर चढ़ा लिया है एक पैन। पैन थोड़ा गर्म होने के बाद हमने इसमें ऐड किया है रागी, और रागी को थोड़ी देर के लिए हमने किया है रोस्ट। रागी रोस्ट होने के बाद हमने ऐड किया है इसमें वाटर, आप चाहे तो मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। हमारे बच्चे को लैक्टोज इनटॉलरेंस होने की वजह से हमने इसमें मिल्क यूज़ नहीं किया है, तो वाटर यूज़ करने और स्टियर करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नेचुरल स्वीटनेस के लिए चॉप किया हुआ डेट्स। डेट्स ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अंजीर। अंजीर और डेट्स ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरह से पका लेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसे स्टेयर करेंगे और एक मैशर की सहायता से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करते समय ये ख्याल रखेंगे कि इसमें कोई लम्स ना हो या कोई भी चॉप किया हुआ अंजीर और डेट्स का टुकड़ा ना हो। फाइनली हमने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है और इसमें ऐड कर लिया है ड्राई फ्रूट्स पाउडर और घी। ड्राई फ्रूट्स पाउडर और घी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से रागी के साथ मिला लेंगे, ताकि आपके बच्चे को इसे निगलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनली हमारा रेसिपी तैयार है हमारे बच्चे को सर्व करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा बेबी रागी कितने अच्छे से इंजॉय कर रहा है। रागी में हमने जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर, खजूर, अंजीर मिलाया है, उसकी वजह से आपको बहुत सारे कैल्शियम, विटामिंस, मिनरल्स और फाइबर भी मिलेगा, जिसके वजह से आपकी बेबी के फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग टू WHO, फिग कैन बी इंट्रोड्यूस एज अर्ली एज 6 मंथ, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसे पहले प्लेन रागी खिलाएं, उसकी 15-20 डेज के बाद उसे फिग यूज़ करें। फिग इज ऑल्सो अ माइक्रोबियल एजेंट, जिसके वजह से आपकी बेबी की इमेच्योर इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। हमने हमारे बड़े बेटे को भी रागी बहुत खिलाया है, इवन आज भी उसे रागी का पैनकेक देते हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।